हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10 के लिए जो गाड़ा का नया पेपर सेट आया है उसमें सोशल साइंस का सेकंड पेपर का सेक्शन ए करेंगे। ओके, पेपर वन का सेक्शन ए ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ मॉडल पेपर का, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, और ऑफिशियल सैम्पल पेपर है उसका भी मैं इंग्लिश मीडियम के लिए सॉल्यूशन करवा चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो ये सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले 80 मार्क्स का है, उसका सेक्शन ए देखो, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैच द करेक्ट पेयर्स वाला है। तो सबसे पहला देखो, सिद्धीज डांस, तो जो धमाल डांस होता है वो उसका आंसर होगा। ठीक है, धमाल डांस ऑफ सिद्धीज, तो फर्स्ट में कौन सा आंसर होगा, सी होगा। अब मैं आपको ये क्वेश्चन कौन से पेज से लिया गया है और कौन से चैप्टर का है वो भी मैं बताऊँगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 16 पेज से है और चैप्टर नंबर सेकंड में से है। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड आपके पेज नंबर दिखेंगे और यहाँ राइट हैंड साइड पे आपको चैप्टर नंबर दिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, सेकंड देखो, 1 लाख वर्सेस यानी 1 लाख श्लोक किस में है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा महाभारत में है। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 31 पे, चैप्टर नंबर 4 पे। फिर थर्ड देखो, हुमायूं का मकबरा, ठीक है, हुमायूं मकबरा, तो उसका आंसर होगा एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, तो वो आपको देखने को मिलेगा 45 पेज पे और 6 चैप्टर में। फोर्थ देखो, श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी। अब हेमचंद्राचार्य से कोई भी रिलेटेड हो, लाइब्रेरी हो या कॉलेज हो, जिस तरह से हो, वो सारी चीज़ें आपको पैटर्न में देखने को मिलती है। ठीक है, तो 55 पेज पे मिल जाएगा आपको ये और चैप्टर नंबर 7 पे। फिफ्थ देखो, कॉपर स्मेल्टिंग यूनिट, ठीक है, तो उसका आंसर होगा गाटशिला। अब इसे आप बुक में देखोगे तो आपको यहाँ पे ये वर्ड देखो, स्मेल्टिंग यूनिट लिखा हुआ है, तो बुक में स्मेल्टिंग यूनिट नहीं लिखा हुआ है, बुक में रिफाइनिंग यूनिट लिखा हुआ है, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग दोनों ही सिनोनिम्स है, तो आपको पढ़ो तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये आपको मिल जाएगा 108 पेज पे और 13 चैप्टर में। ठीक है, तो ये 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन थे। ट्रू और फॉल्स देखते, 6 से लेके 10 तक। द मैट्रियार्चल फैमिली सिस्टम वॉज प्रेवलेंट इन द ड्रविडियंस, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ये आपको 5th नंबर के पेज में और 1st चैप्टर में मिल जाएगा ड्रविडियंस के बारे में। 7 देखो, हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर किंगडम, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। ये आपको मिल जाएगा 45 पेज पे 6th चैप्टर में। ये जो पेज नंबर मैं लिख रहा हूँ वो इंग्लिश वर्जन जो है हमारी बुक का उसके PDF के, एक दो पेज आपके आगे पीछे हो सकते, वैसे तो नहीं होंगे पर शायद हो जाए तो आगे पीछे देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, लैंड वाटर एंड पास्चर लैंड आर रेयर रिसोर्सेज, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, दे आर इजीली अवेलेबल, ये टेबल में दिया हुआ है, आप 60 नंबर पेज पे टेबल में देख सकते हो, ये लोग ईजिली मिल जाते हैं ये तीनों चीज़ें। 9 देखो, रिजर्व फॉरेस्ट आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, 67 पेज पे 9 चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा। 10 देखो, एलिफेंट इज द बेस्ट एनिमल फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन डेजर्ट एरिया, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि ये जो एलिफेंट है, ठीक है, वो बेस्ट एनिमल नहीं है डेजर्ट के लिए, कैमल है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कैमल जो है वो डेजर्ट एरिया में ट्रांसपोर्टेशन में बेस्ट एनिमल है। ठीक है, ये पेज नंबर 112 पे देखने को मिलेगा, चैप्टर नंबर 14 में। ओके, तो ये ट्रू फॉल्स है। अब हम FIB देखेंगे 11 से लेके 15 तक। तो 11th FIB देखो, द रीजन ऑफ ब्लैंक रिवर्स इन अ रीजन ऑफ अवर इंडियन कल्चर, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सप्त सिंधु, पेज नंबर 6 पे मिल जाएगा आपको ये, चैप्टर 1 में। FIB नंबर 12, द धरोई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर, तो ये साबरमती रिवर पे है, पेज नंबर 91, चैप्टर नंबर 11 में मिलेगा है आपको। 13 देखो, ड्यू टू ब्लैंक ईमेल ई कॉमर्स एंड द एक्सचेंज ऑफ करेंसी हैव बिकम फास्टर, तो इसका आंसर होगा इंटरनेट, जो कि आपको 118 पेज पे मिल जाएगा और चैप्टर नंबर 14 में। 14 FI देखो, इन ब्लैंक इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन वाइल कीपिंग प्राइस मैकेनिज्म इन अ माइंड, तो इसका आंसर है मार्केट सिस्टम में प्राइस प्रॉफिट को ध्यान में लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 124 पेज पे 15 चैप्टर्स में। 15 देखो,
WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एनकरेज अनबायस ब्लैंक ट्रेड, तो इस तो इसका नाम में ही दिया हुआ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड को जो है वो इनक्रेज करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 129 पेज पे, चैप्टर नंबर 16 में। ठीक है, तो ये 15 तक FIB थी। 16 से लेके 20 तक क्वेश्चन देखो, सारे MCQ है। क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट इरीगेटेड एरिया इन इंडिया कंपेयर टू इट्स टोटल कल्टिवेटेड एरिया, तो इसका आंसर होगा पंजाब। ठीक है, 90.8% है वो, 91 पेज पे और 11th चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा। 17 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल बैंक इन इंडिया। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इसके बारे में आपको 148 पेज पे 18 चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। 18 देखो, विच मिशन हैज़ बीन अंडरटेकन टू अबॉलिश द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो वो आंसर है बेटी बचाओ अभियान जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए किया गया है। पेज नंबर 166 पे मिल जाएगा आपको, चैप्टर नंबर 19 में। 19, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ सोशल कल्चर इन इंडिया। ठीक है, तो उसका आंसर है कास्टिज्म। पेज नंबर 170, चैप्टर नंबर 20 में मिल जाएगा। 20 देखो, व्हेन इज वर्ल्ड डिसेबल्ड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो इसका आंसर मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है 3rd December। 21 से 24 देखो, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप वन वर्ड या टू वर्ड में आंसर दे सकते हो, अगर वन सेंटेंस भी होता है तो इसमें लिखना होता है। 21 देखो, इंडिया बिकम विच नंबर नेशन अमंग द कंट्रीज वाइल प्रोड्यूसिंग एनर्जी थ्रू विंड, यानी विंड एनर्जी में इंडिया कौन सी रैंक पे आता है, तो इसका आंसर है 5th नंबर पे आता है। ये आपको मिल जाएगा 100 पेज पे 12 नंबर के चैप्टर में। 22 देखो, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर आर मोस्ट जूट टेक्सटाइल मिल्स आर लोकेटेड, तो वो हुगली रिवर पे है सबसे ज़्यादा। पेज नंबर 104, चैप्टर नंबर 13 में मिल जाएगा। 23 देखो, विच इकोनॉमिक सिस्टम एनकरेज कंज्यूमराइज्म। ठीक है, तो 23 में आंसर आएगा मार्केट सिस्टम। अब जो प्रॉफिट की बात आगे हो रही थी प्राइजेस के रिलेटेड से, तो ये उसी सिस्टम से क्वेश्चन था। ठीक है, पेज नंबर 124, चैप्टर नंबर 15 में मिल जाएगा। 24 देखो, व्हाट काइंड ऑफ स्टेट इज इंडिया इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। ठीक है, रिलीजन के मामले में इंडिया कैसा है, तो वो सेक्युलर है। पेज नंबर 169, चैप्टर नंबर 20 में मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे सेक्शन ए फिनिश होता है सेकंड पेपर का, गाला का। अब नेक्स्ट वीडियो 3rd पेपर के ऊपर आएगा। अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो एस एस या मैथ्स के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।